Yeah, students, good morning, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching the video. So, today we are going to go with geography part. We have already completed economics part up to 5 lessons. We have completed all the things. First was development, second was sectors of Indian economy, third was money and credit, fourth was globalization, and fifth was consumer protection. Now, today we are going to go with geography chapter 1, that is रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. हमने इकोनॉमिक्स को अगर एक बार रिकॉल करोगे, आप वीडियोस को रीचेक करोगे, तो इकोनॉमिक्स में यू विल कम टू नो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट, व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज ग्रोथ. हमने ये दोनों पॉइंट को भी डिस्कस किया था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू गो विद द वर्ड रिसोर्सेज. आई मीन बाई रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज. I mean by resources natural. But what is resources? अगर हिंदी अनुवाद करते हैं, हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं वर्ड रिसोर्सेज को, तो सिंपल सा वर्ड मिलता है, रिसोर्सेज मतलब संसाधन. ना उसको अगर बेसिक इंग्लिश में हम लोग सिंपल लैंग्वेज में पुट आउट करें, तो रिसोर्सेज आर एनीथिंग. रिसोर्सेज आर एनीथिंग विच सेटिस्फाई अवर नीड्स. Our needs, anything which satisfied our need, मतलब जो भी चीज है वो मुझे needs को satisfy करते, उसको एक quality of resources बोल सकता हूँ. Anything which satisfied my need. For example, I need chalk to write on the board, then chalk is a resource for me. I need a board, then board is a resource for me. So anything which satisfy my need is called as resources. But उसके लिए there are some parameters, there are some things which have to be fulfilled, then only it will become a resource, otherwise it will not become a resource. For example, anything which satisfied our need, but it should be, yeah, it must be, I will use word, it must be easily available. Very important, resources उसी को कहेंगे जो easily available है. Easily available. ऐसा नहीं कि मुझे वो रिसोर्स के लिए आई हैव टू गो फ्रॉम किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स एंड टेक दैट रिसोर्सेस, मेरे लिए यूजफुल नहीं होगा. क्योंकि इफ इट इज नॉट इजीली अवेलेबल, इट विल बी, इट शुड, इट मस्ट बी इजीली अवेलेबल. इकोनॉमिकली रीजनेबल. और रिसोर्सेज हमारे लिए इकोनॉमिकली रीजनेबल होने चाहिए एंड कल्चरली एक्सेप्टेड. Accepted. तो मैं अगर इसको 3 parts में divide करता हूं, तो resources are easily available, economically reasonable, and culturally accepted. These are called as resources. Anything which satisfy my needs, जो भी चीज मेरी जरूरतें पूरी कर देता है वो रिसोर्स है. पर वो इजिली अवेलेबल होना, आसानी से मिल जाना चाहिए. इकोनॉमिकली रीजनेबल मतलब फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ओके होना चाहिए उसका रेट्स. एंड कल्चरली एक्सेप्टेड मतलब पब्लिक ने उसको एज ए रिसोर्स एक्सेप्ट करना चाहिए. सिंपल सा एक लॉजिकल एग्जाम्पल देता हूँ. वाटर. वाटर विच सेटिस्फाई माई नीड फॉर ड्रिंकिंग और फॉर वॉशिंग और वॉट एवर माई नीड्स आर देयर, विच सेटिस्फाइड. इजिली अवेलेबल है हमें, इकोनॉमिकली रीजनेबल है हमें, इसके लिए कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता. एंड कल्चरली एक्सेप्टेड है, पीपल एक्सेप्ट टू all people satisfied and need by water, and so it is culturally accepted. So this is the real definition of resources. Natural resources are anything which satisfy my need. Kuch bhi cheez hai jo meri needs ko satisfy kare, par easily available hona chahiye, economically reasonable hona chahiye, aur culturally accepted hona chahiye. Bahut baar aisa hota hai ki ye easily available hai par economically रीजनेबल नहीं है और या कल्चरली एक्सेप्टेड नहीं है, देन दैट इज, इट कैन नॉट बिकम अ रिसोर्स. ये तीनों तीन क्वालिटी शुड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अ पर्सन, देन इट इज अ रिसोर्स. सो सिंपल डेफिनेशन है. अगर मेरे को कोई बोल देता है फॉर एग्जाम्पल कि यार सर यहाँ इफ यू हैव डिग ओवर हियर यू विल गेट अ गोल्ड. चलो मैंने डिग करना स्टार्ट किया, डिगिंग किया मैंने, डिगिंग करने के बाद मुझे पता चला कि 5 करोड़ का गोल्ड किया, गोल्ड निकला. पर 5 करोड़ का गोल्ड के लिए मैंने 10 करोड़ का डिग करने के लिए खर्चा किया, देन इट इज नॉट इकोनॉमिकली रीजनेबल. तो वही बात हो गई कि
आमदनी अठनी एंड खर्चा इज रुपया. सो दैट इज अ केस के वी आर इकोनॉमिकली नॉट रीजनेबल. इकोनॉमिकली रीजनेबल होना चाहिए. इसलिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज अभी भी है जो पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से है या स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से है. क्यों? बिकॉज क्या है कि ये रिसोर्सेज के या तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है. वी चलो सिंपल सी बात करें हम कि वी आर हैविंग वाटर रिसोर्सेज. अगेन एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ. हमारे पास वाटर है, भरपूर वाटर है, चारों तीनों तरफ पानी पानी है इंडिया के. अगर इतना पानी होने के बावजूद ऑल्सो वी आर वी फेसिंग वाटर स्कैरसिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, तो हम समुन्द्र के पानी को सॉल्टी वाटर को वी कैन कन्वर्ट इट, बट वी आर नॉट हैविंग द टेक्नोलॉजी विच इज इकोनॉमिकली रीजनेबल. अगर इकोनॉमिकली रीजनेबल टेक्नोलॉजी मिल जाएगी हमें तो नेचुरली वी विल कन्वर्ट दिस वाटर इन टू अ ड्रिंकेबल वाटर. तो दीज आर द थिंग्स विच दीज थ्री क्वालिटीज आर नीडेड टू बिकम अ रिसोर्स. पहली बार वो नीड्स को फुलफिल करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए. सेकेंड, इजिली अवेलेबल होना चाहिए. थर्ड, वो हम इकोनॉमिकली रीजनेबल होना चाहिए. एंड फोर्थ, कल्चरली मतलब सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. सो इट बिकम्स अ रिसोर्सेज. अब बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हाउ टू द प्रोसेस, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन रिसोर्सेज एनवायरमेंट से रिसोर्सेज में ट्रांसफर कैसे होते हैं, हाउ द रिसोर्सेज आर गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम एनवायरमेंट टू बिकम अ रिसोर्स. हाउ देर इज अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन थ्री थिंग्स. एक तो ह्यूमन आर द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उसके अलावा थ्री थिंग्स और नेसेसरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर के थ्रू टेक्नोलॉजी यूज करके, नेचर के थ्रू टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग इंस्टीट्यूट डेवलप करते हैं, इंस्टीट्यूशन डेवलप करते हैं नेचर के यूज पर, एनवायरमेंट के यूज करके. सो नेचर को यूज किया मैंने, नेचर से मैंने कोई चीज लिया, उसके साथ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, फिर वो इंस्टीट्यूट यूज किया और इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैंने रिसोर्सेज को क्रिएट किया. पर ये सब रिसोर्सेज क्रिएट जो होता है उसके लिए ह्यूमन बीइंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट इज ऑल्सो अ रिसोर्स, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं. नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपके पास सेकेंड चैप्टर में था व्हिच आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमें ह्यूमन रिसोर्स भी एक रिसोर्सिस था. तो इन शॉर्ट में बता दूं कि दिस इज अ इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग विच इंटरेक्ट विद नेचर, यूजेस टेक्नोलॉजी एंड सेटअप इंस्टीट्यूट टू कन्वर्ट द एनवायरमेंट इन टू रिसोर्स. तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर, develop technology, set up institutions to convert environment things into resources. Sorry. So this is a basic concept of resources. Now before moving ahead, let us today in the very first session have something called as classification of resources. Resources classify kaise kiye jaate hain. Students, you have to be very clear. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में से एक क्वेश्चन इज वन एंड कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आए, चाहे वो वन लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आए, चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है. तो रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया, पहले तो रिसोर्सेज का एक फ्लो चार्ट बना लेता हूँ. एंड आई होप दैट यू शुड ऑल्सो, इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, देयर इज नो नीड for you to make it. Flowchart, first of all, resources are classified on the basis of origin, कहाँ से आए. Second, resources are classified on the basis of exhaustibility, मतलब कब कितनी life है, life, long life या short life, exhaust कब हो गए, कब खत्म हो जाएंगे. Then resources are classified on the basis of what you call as ownership. Resources are classified on the basis of ownership. के कौन ओन करता है रिसोर्सेज, एंड रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. उनका स्टेटस क्या, वो कहाँ पहुंचे हैं, कितना यूजफुल है रिसोर्सेज और कहाँ पहुंचे हुए रिसोर्सेज. हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इन टू थिंग, जैसे हम लोग सिक्स स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं, फिफ्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास दो चीज है, वन इज लिविंग एंड वन इज नॉन लिविंग. ओके, नेचुरल के अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीज है. एंड देन वी आर हैविंग, सो लेट अस
ब्रीफ ऑफ देन वी आर हैविंग व्हाट वी कॉल रिन्यूएबल रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. तो ये आपके चार्ट दिया हुआ है पर उसमें ये टाइप का चार्ट नहीं दिया हुआ है. आई एम व्हाट आई हैव मेड वो चार्ट नहीं दिया हुआ है. नाउ समवट रिसोर्सिस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक. स्टूडेंट्स मेक इट वेरी क्लियर, बायोटिक एंड अबायोटिक. एक मार्क का क्वेश्चन 100% श्योर और श्योरिटी में आता है, मतलब इन द सेंस ये एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना होता है. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हमारे रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. मैं लिटिल बिट ऐसा कर देता हूँ, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. बचपन से पढ़ते आए, काफी टाइम से पढ़ा है कि व्हाट इज रिन्यूएबल. इट इज अ साइंटिफिक टर्म, साइंस में भी यूज होता है नॉन रिन्यूएबल टर्म. नेक्स्ट हमारे रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दैट इज पब्लिक रिसोर्स. प्राइवेट ले लेता हूँ पहले, प्राइवेट देन पब्लिक दैट इज कम्युनिटी देन नेशनल एंड देन इंटरनेशनल. रिसोर्सेज कौन से है और किसको नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोला जा सकता है. एंड देन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पास रिसोर्सेज क्लासिफाइड किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड रिसोर्स जो अभी हम लोग फिलहाल यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट पोटेंशियल जो फ्यूचर में यूज हो सकते हैं. नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे पास पड़ा है एंड नेक्स्ट रिजर्व जो हमने फ्यूचर के लिए रहने दिया है. दिस आर ऑल्सो फॉर क्लासिफिकेशन. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी टर्म वन बाय वन इन द कमिंग लेक्चर. बिफोर आई एंड अप और वाइंड अप दिस लेक्चर जस्ट आई हैव टू रिकॉल व्हाट इज रिसोर्सेस, हाउ रिसोर्स नेचुरल एनवायरमेंट इज कन्वर्टेड इन टू यूजफुल रिसोर्सेज. सो ये दो पॉइंट को जरा क्लियर कर लेता हूँ वापिस, बाकी तो बोर्ड पे ही है. फर्स्ट पॉइंट इज वॉट इज रिसोर्स, एनीथिंग विच इज प्रोवाइड अवर नीड्स, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है. इट शुड बी इजिली अवेलेबल, इकोनॉमिकली रीजनेबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेड रिसोर्सेज है. एनवायरमेंट की कोई भी चीज को रिसोर्सेज कैसे बनाते हैं, तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट नेचर, मतलब एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी से बनाता है, टेक्नोलॉजी को यूज करता है एंड इंस्टीट्यूट के माध्यम से रिसोर्सेज क्रिएट करता है. तो दिस इज अ ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन बिटवीन द एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. दिस इज द हाउ रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड या ट्रांसफॉर्म, आई कैन यूज द वर्ड. फिर रिसोर्सेज को किस तरह से हमने क्लासिफाई किया है, तो इट इज बेसिस ऑफ ओरिजिन, देन इन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, देन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. उसके अंदर बायोटिक अबायोटिक रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल प्राइवेट पब्लिक नेशनल इंटरनेशनल एंड द लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस डेवलप पोटेंशियल स्टॉक एंड रिजर्व. सो दैट वी विल सी वन बाई वन इन द नेक्स्ट टाइम. होप यू विल गो थ्रू दिस पार्ट एंड understand the lesson clearly, because it's very important lesson from future point of view too also. Thank you very much.